जन्मसु तुम चनंदी आनंदी माँ छीन नंद सहा परमित पद विंद नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवासो भविजो मुनो ममल ज्ञान परिलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारम्बार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यं परं देवदेवस्य। मुनि आचार्य प्रभु सद्गुरु संत धारण ब्रह्मलाचार्य जी महाराज जी की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः सिद्धं परमाराध्य माचनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की ज्ञान अमृत झरती हुई ये वाणी श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जहाँ कमल स्वभाव का आनंद गायक स्वभाव की महिमा को आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी कह रहे हैं। भैया आत्मा गायक स्वभाव में है, ज्ञान स्वभाव वाला है। भैया ये बात तो अपन रोज सुनते हैं लेकिन इस बात को जो स्वीकार कर लेते हैं वे वैरागी होते हैं। भैया कितना अचूक सिद्धांत है कि आत्मा ज्ञायक है, ज्ञान स्वभाव वाला है, ज्ञान में स्वरूप वाला भैया कमल स्वभाव आत्मा का, यह बात अपन कहते हैं। लेकिन बात कितनी अच्छी है कि जो ऐसे कमल भाव को ऐसे ज्ञायक भाव को स्वीकार कर लेते हैं वास्तव में वैरागी होते हैं। वैरागी होते हैं मतलब संसार शरीर भोगों से उनके चित्त में विरक्ति पाई जाती है, इंद्रिय विषय भोगों से उनके चित्त में विरक्ति पाई जाती है। यदि कोई कहता है कि मैं गायक हूं उसके मन में वैराग्य नहीं है तो इसका अर्थ यह है भैया कि अभी उसने गायक को स्वीकारता अंतर से अंगीकार नहीं कर पाया। ये बात सिद्धांत ही है कि यदि कोई कहे कि हम गायक हैं, 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 हम करता नहीं है, हम धरता नहीं है, हम भोगता नहीं है, हम चलते नहीं है, हम फिरते नहीं है, हम उठते नहीं, हम बैठते नहीं, हम खाते नहीं, हम सोते नहीं, हम जागते नहीं, हम तो गायक भगवान आत्मा। यदि कोई ऐसा कहे और उसके उपयोग में बाहर में परिणाम में देखे या ना देखे उसके उपयोग में यदि इन पर पदार्थों से राग से द्वेष से कर्तत परिणति से भोक्तत परिणति से संसार की चिंताओं से उलझनों से यदि उसे विरक्ति नहीं है तो इसका अर्थ यह है भैया कि उसको अभी गायक तक स्वीकार नहीं। अपन कितने अच्छे से कहते हैं कि इस मार्ग को जो स्वीकार कर लेता है वो बिल्कुल निश्चिंत होके आता भैया। तो सबसे बड़ी बात क्या, इस मार्ग को वो ही स्वीकार कर पाता है जो निश्चिंत हो जाता है, और जो निश्चिंत नहीं हो पाता वो इस मार्ग को स्वीकार ही नहीं कर पाता। निश्चिंत हो जाता मतलब क्या भैया कि पर का परिणाम पर में हो रहा है, घर गृहस्थी का परिणाम घर गृहस्थी में हो रहा है, पुत्र परिवार का परिणाम पुत्र परिवार में हो रहा है, कर्मों का परिणाम कर्मों में हो रहा है, छह द्रव अपने परिणमित हो रहा है, पूरा विश्व अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, प्रत्येक पर्याय अपनी योग्यता से आ रही है, योग्यता से जा रही है। अब बताओ सबसे छूट के अब सबसे क्या बोलते हैं सारी उलझनों को छोड़ के सबसे निश्चिंत होके जो इस मार्ग में लग जाता है भैया उसे तो क्या बोलते हैं गायक भाव की अनुभूति कहो वैराग कहो उसे तो प्रकट होता। लेकिन भैया जो चिंताओं से ही मुक्त नहीं हो पाया, जो भी सल्लियों से छूट के नहीं आ पाया उसे वैराग्य कहां से आएगा।
पहला प्रिंसिपल है भैया, अरे वैराग्य की बात कर रहे हो ना, विरक्ति की बात कर रहे हो ना, तो पहले आप ये बताओ कि आप ज्ञानी हो या नहीं। अब यदि आप ज्ञानी होने की बात कर रहे हो ना, तो पहले आप ये बताओ कि ज्ञानी तो सिर्फ निश्चिंत हो सकते, निश्चिंत व्यक्ति ही ज्ञानी हो सकता, जिसे चिंताएं हो, सल हो, आकुलता हो, वो ज्ञानी नहीं हो सकता भाई। अब यदि कोई हमसे एक प्रश्न करे, भैया अभी हम तत्व की चर्चा भी सुन रहे हैं, वस्तु स्वभाव को स्वीकार भी कर रहे हैं, और क्या कहते हैं आत्मा की बात अच्छी भी लग रही है, आत्मा का बोध अच्छा भी लग रहा है भैया, आत्मा की चर्चा में रुचि भी आ रही है, तो आप हमें ज्ञानी कहोगे या नहीं कहोगे? जब तक नहीं कहेंगे, जब तक कब तक नहीं कहेंगे बताओ? जब तक क्या नहीं होगा? कहाँ नहीं जाएगी? क्या बोला अरे भैया? पर पदार्थ तो ईष्ट बुद्धि नहीं जाएगी, ये बिल्कुल सही है। या फिर ऐसा कहो, जब तक आप निश्चिंत नहीं दिखोगे, जब तक हम आपको ज्ञान नहीं कहेंगे। सीधी बात, जब तक आप हमें निसंद नहीं दिखोगे, तब तक हम आपको ज्ञान ही नहीं कहेंगे भैया। क्यों नहीं कहोगे भैया? अभी घर गृहस्थी में चिंताएं तो होती है, संयोगी संयोग में रहते तो भैया अभी थोड़ी बहुत उलझन तो होती है। देखो भैया, परिणाम में मन वचन काय में उलझन हो रही है, परिणाम में चल रही है उलझन, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उन होने वाले परिणामों से आपकी परिणति विरक्त हो रही है या नहीं हो रही, अंतर प्रसन्नता है या नहीं, आपको ये बता। उलझनों में बाहर के कर्मोदयजन उलझनों में भैया बहाव होता है, अभी आवृत्ति की भूमिका, साधु की भूमिका नहीं, अभी बाहर के होने वाले प्रपंचों में जुड़ान होता है, बाहर की होने वाली उलझनों में परिणाम विचलित होते हैं, लेकिन भगवान आत्मा उन विचलित परिणामों में जो विचलितता आ रही है, भगवान जी उनसे ही तो विरक्त होना है। अच्छा, विरक्त कैसे होना? अच्छे बताओ, विरक्त कैसे होना है? विरक्त कैसे होना है? उद्गल तो अपना है ही नहीं, शरीर संयोग कुटुंब घर पुत्र परिवार तो अपने है ही नहीं, तो इनसे विरक्त होने की तो कोई बात ही नहीं। विरक्त का ऐसा होना, जो अपने अंतर में परिणति चल रही है मिथ्या की, राग की, मोह की, अपनत्व मत की, जो अपने अंदर में परिणति चल रही है, उस परिणति से तो विरक्त होना है भगवान आत्मा, और कैसे विरक्त होना है तो पता, विरक्त किससे होना है? जो मिथ्या परिणति है, जो परिणाम आया तुम्हारे अंदर में राग का, मोह का, द्वेष का, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का, उस परिणाम के साथ तुम्हारा उपयोग परिणमित हो गया, उस कर्म धारा के साथ, या बाहर से निमित्त मिला भैया तो उस निमित्त के साथ जुड़ के तुम्हारा उपयोग उस घर कर्म धारा के साथ जुड़ के महा उसी के साथ बहने लगा, कसाई के साथ, राग के साथ, मोह के साथ, अपनत के साथ, मोहम्मद के साथ, उसके साथ तुम्हारा उपयोग बहने लगा, तो विरक्त कैसे होना भैया? वो जो कर्मधारा रूप भाव हो रहा है, उस भाव से तो विरक्त होना है ना, या हमसे विरक्त होना? चलिए बताओ भगवान जी, मनोरंजन गारवेन तिक्ताम, मनोरंजन गार आपको तोड़ना है, मन कायमे रंजायमान होता है कल्पनाओं, मन कायम रंजायमान होता है ओनली कल्पनाओं में, अज्ञान कल्पना ही, अज्ञान कल्पना ही मन का रस है, अज्ञान विचार ही मन का रस है, विचारों के समूह का नाम मन है, और वो निरंतर अज्ञान कल्पनाओं में, अज्ञान मानताओं में प्रसन्न होता है, यह मनोरंजन गारा। बहुत अच्छे से सुन लो, अच्छे से, अज्ञान कल्पनाएं विचारों का नाम मन है, और मन उन विचारों में संतुष्ट है, दिन रात संतुष्ट है, दिन रात जो अपने अंदर विचार चल रहा है अज्ञान जन, उन अज्ञान अज्ञान जन विचारों में मन गहरी संतुष्टि करके बैठा है, इतनी गहरी संतुष्टि करके बैठा है कि उस मन को अंतर से अपने अंतर हृदय में बैठा हुआ परमात्मा उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, व्यवहार से कहें उस मन को भगवान की वचन, जो जिनेन भगवान की वाणी है, उस मन को जिनेन भगवान की वाणी सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि वो अपनी विचारधारा में संतुष्ट होकर बैठा, अपने इंद्रिय विषय भोग आलाप में संतुष्ट होकर बैठा,
उसे अंतर आत्मा निज चैतन्य चैत्यालय में बैठा हुआ परमात्मा रोज कहता है कि मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं तीन लोक का नाथ हूं, केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता का स्वामी हूं। सुनाई नहीं देता सुनाई नहीं देता, क्यों नहीं देता? चलिए बता बताओ भगवान जी। कल भी हमने इस विषय को छोड़ दिया था यहीं, आज फिर छोड़ के आगे अगली गाथा पे चले आएंगे। यहीं तो दर्शन महान विमुख का चले अगली गाथा पे। भैया आप तो कितने सुना लो, अंतर तो पढ़ना ही नहीं है कच्छ, है ना। संसार संसार में रहते हुए संसारी जीव की परिणति एकदम विपरीत हो गई है, अपने स्वभाव से एकदम विपरीत हो गई है। उसे कितना भी सुनाओ, कितना भी सुनाओ, कितना भी सुनाओ, कुछ अंतर पढ़ना ही नहीं। तो गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं भैया? मन रंजन गारवेन तिक्तम च, कि मन के गारव को त्यागो। भैया मन में गारव का आएगा पहले ये बता, मन में अपनी कल्पनाओं का गारव है, मन में अहंकार काय का है? मन जो अपनी मान्यताएं बनाता है, मन को जहां सुख प्रतीत होता है, अनादिकाल से इस संसारी जीव को ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय मोहिनी इन कर्म के संस्कार के कारण से, आवरण भाव के संस्कार है, और आवरण भाव के संस्कार के कारण इस जीव ने अनादिकाल से पुद्गल का ही उपभोग किया, पुद्गल में ही, पुद्गल पुण्य कर्म में ही, पुद्गल पाप कर्म में ही आचरण किया। भैया पुण्य कर्म में साता मानी है और पाप कर्म में असाता मानी है, तो इस जीव को अनादि काल से पुद्गल का ही उपभोग रहा भाई, इसे पुद्गल परमाणुओं के उपभोग को ही अपना रूप माना, तभी तो संसार में। तो मन में काय का संस्कार है भैया, मन इस अंधकार से, इस मोहिनी कर्म के अंधकार से घिरा हुआ, तो क्या करता है भैया दिन रात? जो संस्कार है अनादि काल के, वही विचारों के रूप में 24 घंटे घूमते। अब उन विचारों के 24 घंटे घूमने के कारण क्या क्या नुकसान होता भैया हमारा? ये नुकसान होता है कि उन 24 घंटे जो विचार घूमते हैं उन्हीं को, उन्हीं में सत्यता लगती है, उन विचारों में उपयोग संतुष्ट रहता है। मन के साथ, ये मन है ना विचारों का समूह, कर्मधारा के साथ, मन के साथ भाव मन उपयोग, उपयोग जुड़ा है भैया। उपयोग का क्या करता है? दिन रात उस भाव धारा के साथ, उस अज्ञान धारा के साथ बहता है, और अंतर आत्म बेचारा दबा हुआ या बैठा हुआ यही हृदय में, वो सिद्ध स्वरूपी ज्ञायक तत्व परमात्मा, जैसे गुरु महाराज कमल स्वभाव कह रहे हैं, वो ज्ञायक भाव यहीं बैठा हुआ है, इस मन में, इस अंतर मन में ही बैठा हुआ है। वो जीव क्या करता है? इस अंतर मन में बैठे हुए ज्ञायक परमात्मा की आवाज नहीं सुन पाता। और दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या घट रहा है, सब कुछ सुनाई देता है, अंतर विचार क्या चल रहा है, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन सुनो भगवान आत्मा, समझो थोड़ी सी बात, इतना गारव है इस जीव को इन पुद्गल पर्यायों का, इस पुद्गल वस्तु का, कि इसे अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा की आवाज इसके कान तक नहीं पहुंचती। जीव जीव आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता, और भैया सबको सुन रहा है। अच्छा ये बता, आत्मा और कहीं रह रहा है, तुम और कहीं रह रहे हो, शरीर और कहीं रह रहा है, ऐसा है क्या? मन कहीं है, तुम कहीं हो, ऐसा है क्या? है? मन भी यही है ना, और जीव भी यही है ना, दोनों यही है ना, दोनों यही है ना। तो बता, मन की बात क्यों सुनाई देती, जीव की बात क्यों नहीं सुनाई देती? अभी आपके प्रश्न भी एक तो अटपटे होते हैं, आधा आधा दिमाग तो इसमें लग जाता कि आप कुछ कह रहे हो। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आता है, और जब तक समझ में आता है जब तक आप और कुछ पूछने लगते हो। क्या करें, हमारी कमी है ना, हम क्या करें, हम नहीं समझा पा रहे। चलिए बताओ, आत्मा और मन एक ही साथ है ना, यही है ना, तो मन की बात क्यों सुनाई देती है, आत्मा की क्यों नहीं सुनाई देती? ये कहो कि मन का गारव है, पुद्गल का गारव है, अहम है, मैं इस पुद्गल रूप हूं, ऐसी अहंकार की परिणति है, और अहंकार सत्य के आगे कभी समर्पण नहीं करता, अहंकार तत्व के आगे कभी समर्पण नहीं करता, अहंकार कभी भी वीतरागता को स्वीकार नहीं करेगा, अहंकार कभी भी ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा, अहंकार कभी भी तत्व के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा। अहंकार जब तक है, जब तक जीव दर्शन ज्ञान चारित तीनों से भ्रष्ट है, तीनों से ही भ्रष्ट है, तीनों में से एक भी नहीं हो सकते।
भगवान जी क्या कह रहे हैं, जब तक अहम है गौरव है, मन की प्रसन्नता का गौरव है, जब तक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही नहीं हो सकते। वे क्या करें, गुरु महाराज कहते हैं मनरंजन गारवेन तिक्तम चा, मन के रंजायमान होने रूप जो गारव है उस गारव का क्या करो, त्याग करो, त्यागो। क्या त्यागना है, कि ना मन का गारव त्यागना है। कैसे त्यागना है, मतलब मन की प्रसन्नता अज्ञान इंद्रिय विषय भोग में ना हो। हमने कल विषय लिया था आपको याद हो तो, ये मन निरंतर पांच इंद्रियों के विषयों के लिए आतुर है भैया, इसको गारा है। हमने आपको उदाहरण भी दिया था, एक ठंडाई का भी उदाहरण दिया था और भोजन का भी उदाहरण दिया था, एक तो उदाहरण भी दिए थे कि उपवास का उदाहरण भी दिया था भैया कल हमने आपको, याद हो तो आपको, कि भैया जीव कैसे मन में गारव करता है, कैसे उसके मन में अहंकार पनपता है, कैसे उसके मन में अहंकार की प्रवृत्ति जन्म लेती है, मन कहाँ कहाँ रस लेता है, मन छोड़ने में भी रस लेता है, मन पकड़ने में भी रस लेता है, मन का ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां वो रस ना लेता। और जहां जहां मन पर पदार्थों में प्रसन्न है भैया, वहां वहां मनोरंजन गा रहा है, और जहां जहां मनोरंजन है वहां जिन रंजन नहीं हो सकता, वहां तत्व रंजन नहीं हो सकता, वहां आत्मरंजन नहीं हो सकता भाई। दो में से एक चीज रहेगी, या तो जिन रंजन रहेगा, आत्मरंजन रहेगा भैया, निरंजन आत्मा का बोध रहेगा, या मनोरंजन, या तो मन का बोध रहेगा, मन की आसक्ति रहेगी, मन की वासना रहेगी, दोनों में से कोई एक रहेगा, बताओ कौन कौन पसंद है। ये नहीं कह रहा, उस गाथा का अर्थ क्या है, जहां जहां मन पसरता है वहां वहां ज्ञान की किरण नियम से जाती है, मतलब वहां वहां ज्ञान का उत्पन्न होती है। जहां जहां मन पसरता है नियम से वहां वहां ज्ञान की किरण जाती, वहां वहां तुम्हारा ज्ञान अज्ञान रूप प्रणमन करता। और यदि तुम्हें इस अज्ञान रूप परिणति से छूटना है, इस अज्ञान रूप प्रणमन से बचना है, तो एक ही उपाय है भगवान जी, इस मन का निरोध करने वाला एक ही है, वो है सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान, वो है वीतराग वाणी का श्रद्धान, वो है जब वीतराग वाणी का श्रद्धान होता है, जब जीव का समर्पण होता है वीतराग धर्म पे, सच्चे गुरु पे, और जब जीव का समर्पण सच्चे गुरु पे वीतराग धर्म पे होता है, तब जाके इस मन का रोल खत्म होना शुरू होता है भाई। तो मन क्या है, मान्यताओं के पिंड का नाम मन, परिभाषा बदल लेंगे हम पूरी अब मन की, ठीक है, क्या करें, बदलनी पड़ेगी। मान्यताओं के पिंड का नाम मन है भाई, मोहिनी कर्म की पर्याय, ये मन संस्कारों को अपने संस्कारों के अनुसार जैसा अनादि से परिणमित होता आया है, वैसे ही संस्कारों के अनुसार जो अपनी मान्यता बना के रखा है, इस मान्यता के पिंड का एक जीता जागता स्वरूप है ये मन। अच्छा बताओ भैया, कोई भी चीज अच्छी बुरी ये मान्यता कौन कर रहा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मान्यता कौन कर रहा है, क्या हित में है क्या अहित है, संसार में भी क्या ग्रहण करने योग्य है क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, मतलब क्या क्या है, भले सामने जहर रखा हो तो जहर नहीं खाना चाहिए, और यदि मिठाई रखी हुई तो खाना चाहिए, ये निर्णय कौन कर रहा है, सब मन ही कर रहा है ना, क्या सही है लौकिक हित में, क्या हमारे पक्ष में है, क्या हमारे शरीर के हित में है और क्या हमारे हित में नहीं है, ये सारे निर्णय कौन कर रहा है, मन ही कर रहा है। तो अर्थात क्या हुआ भैया, समस्त मानताओं का पिंड ही है ये मन है, कि जो अपनी नाना प्रकार की धारणा से, अपने नाना प्रकार की धारणा, अपनी नाना प्रकार की विचारधारा से अपने अनुसार जीव के उपयोग को पर पदार्थ में परिणमित करवाए, मिथ्या मानता में जीव के उपयोग को रद्द कराए, यही तो मन है। मिथ्या मान्यताओं में, अपनी मनमानी में जीव के उपयोग को खींच के ले जाए। बेचारा तीन लोक का नाथ त्रिकाली भगवान आत्मा, तीन लोक के नाथ की शक्ति को छीन कर दे, चूहे की तरह एक दुबक के बैठ जाए, तीन लोक का नाथ
गायक प्रभु इसकी पूरी शक्ति को छीन करके, इसकी पूरी शक्ति को आवृत करके भैया जो इसे विभाव रूप प्रणमन करा दे, मोह रूप राग रूप प्रणमन करा दे। और बेचारा है भगवान आत्मा, गायक भगवान आत्मा बेचारा चूहे की तरह धोक के बैठा रहे, कुछ कह ना पाए, भयभीत बना रहा है। इतनी ताकत किसमें? नहीं है बात समझ में, ऊपर से चली गई क्या? हाँ भाई, केवल ज्ञान की शक्ति चाहो तो अभी है, और यदि उसकी ओर नजर भी पड़ जाए, केवल ज्ञान की शक्ति का नजर भी पड़ जाए, तब पहले सम्यक ज्ञान की किरणें जगमगा उठे। अब भी यहीं बैठे बैठे यही आत्मिक आनंद और रस झरझरा के निकला है अंतरात्मा से, तो मैं अंतरात्मा का आनंद आने लगे भाई। लेकिन इस त्रिकाल ध्रुव चेतना को जो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली चेतना है, इस चेतना को भी चूहे की तरह दबक के बैठने पे मजबूर कर दे। वो कौन है राजली? कौन है वो? यदि मन लगे तो प्रवचन अच्छे, और मन नहीं लगे तो समझ में नहीं आते। मन मान ले, मन के माफिक यदि बात सुनाए, वे जो आप कर सकते हो, जो आपको अच्छी लगती हो, यदि आपके अनुसार साधना बताएं जो आपको अच्छी लगती हो, तो प्रवचन बहुत अच्छे। और यदि आप जो ना कर पाओ, जो आपसे अच्छा ना हो पाए, चाहे वो सही भी हो, चाहे वो सिद्धांत ही हो, जो आपसे ना हो पाए, जो आप ना कर पाओ, यदि वो बात बताए तो प्रवचन बुरे, समझ में नहीं आते। कहने लगा वो नया ने क्या क्या चिल्लाते हैं, उनके प्रवचन तो समझ में नहीं आते, उनकी बात तो ऊपर से निकलती है भगवान, बहुत ऊपर बात, बहुत ऊपर की बात होती है भैया, वो तो सर के ऊपर से जाती है। मन को भा जाए तो सब सही है, और मन को ना भाए तो इसे कहते हैं मन रंजन गारव। इस गारव में फूला हुआ जीव कभी भी आत्म सिद्धांत को, तत्व समर्पण को, वस्तु स्वभाव की स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता। अब भैया अपन अपनी अपनी देख ले कि अपना मन दो तीन काम कर रहा है भैया। एक क्या कर रहा है? सबसे पहले तो अपने पंच इंद्रिय के विषयों का गारव करके बैठा। पांच इंद्रिय के भोगों में यदि कोई भी कमी आई तो वो शांत बैठने वाला नहीं, और उसकी कल्पनाओं में जो वो पुत्र परिवार मकान दुकान अपने लिए सुख दुख का निर्णय करके बैठा है, यदि उन संस्कारों में थोड़ा भी आपने ऊंच नीच करी तो भी वो आपको जीने देने वाला नहीं, तो काम ही है भैया। उसके विचारों में यदि आपने थोड़ा सा भी अंतराय डाला, वो जैसा चाहता है यदि आपने वैसा नहीं किया, तो वो आपकी उल्टी सांसें चला देगा भैया। अब बताओ भगवान जी कितना अच्छा है मन। मन मन बुरा नहीं है, मन के अंतर में जो गौरव है, अहम बैठा हुआ, अहम पुद्गल परिणमन में जो परिणति चल रही है, उस पुद्गल परिणति का जो अहंकार बैठा हुआ, जो मान की माया की धारणा बैठी हुई है, वो है मन रंजन गौरव भैया। और वो अहंकार जीते जी जीव को जीने नहीं देता। बता कितनी बड़ी बात है, जीने वाला जयवंत स्वभाव भगवान आत्मा इस मन के अंदर ही, इस हृदय के अंदर ही बैठा हुआ है। वो भाव मन साक्षात आत्मा की चेतन शक्ति है, लेकिन वो भाव मन वो चेतन शक्ति को प्रकट नहीं होने देगा। वो भाव मन में इंद्रिय विषयों में अनुरक्ति, राग आदि परिणाम में अनुरक्ति करके भैया वो राग रूप परिणमित हो जाएगा, देश रूप परिणमित हो जाएगा, कर्ता रूप परिणमित हो जाएगा, लेकिन उस भाव मन में जो चैतन्य शक्ति है वो चेतन रूप परिणमित नहीं होगा भैया। उस भाव मन में जो चिदानंद की शक्ति है, जो केवल ज्ञान का पिंड है, वो केवल ज्ञान रूप परिणमित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भगवान जी? इसी को तो कहते हैं मन रंजन गार में। देखो ये कल हमने इंद्रिय विषय बता दिए थे ना, आपने सुनी हो तो रिकॉर्डिंग सुनना, कल हमने बताया था ना कि यदि जीव उपवास भी कर रहा है तो अच्छा बताओ कल की किसको याद है? यदि जीव उपवास भी कर रहा है तो उपवास में मन रंजन गारक कैसे, बता जल्दी। एक नहीं, उन्हें पांच छह चीज बताई थी, जल्दी बता बता जल्दी। नहीं बता रहा है
फिर सुनने का फायदा क्या है? बोले ली तो एक पेट को भूखा रखने के लिए, थोड़ा सा पेट को एक टाइम तपाने के लिए, बाकी पांच इंद्रियों के जो शेष विषय हैं उनकी पूरी तैयारी रेडीमेड बना कर रखेगा। उपास थोड़ी करेगा, भूखा रहेगा उपास थोड़ी करेगा। पांचों बाकी शेष इंद्रियों का एंटरटेनमेंट कैसे हो इसकी व्यवस्था बनाएगा भैया। शेष इंद्रियों के भोगों में कोई कमी आ ना जाए भैया। हम उपवास कर रहे हैं तो भैया टीवी देख ले, आंखों से सुंदर सुंदर वस्तुएं देख ले, कानों से अच्छा अच्छा गाना सुन ले भैया, मुख से अच्छी अच्छी बात कर ले चार लोगों के बीच में बैठ के, स्पर्श इंद्रिय से बड़ी आराम से सोए रहे हैं भैया, आज तो उपवास से कोई काम नहीं। कुछ भी कुछ भी कुछ भी, एक इंद्रियों मतलब मात्र भूखा रह के पांच इंद्रियों की आसक्ति को बढ़ाने का नाम उपवास। अब ऐसा उपवास करने वाले तो नर की जाएंगे भाई। इस टाइप से जो उपवास कर रहा है वो तो नर की जाएंगे, उनके उपवास तो नर्क नर्क गमन करने के कारण है, नियम से नर्क जाने के कारण है। और आज इस पंचम काल में सारे जीव ऐसे ही उपवास कर रहे हैं, इस प्रकार से उपवास कर रहा है। कोई विरला आत्मार्थी जीव, तत्व पिपासु जीव भैया, वो तत्व को जान रहा है, वो सम्यक ज्ञान को जान रहा है, वो वस्तु स्वरूप को जान रहा है और वो अपना काम बना रहा है। तुम आसक्ति छोड़ना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो? छोड़ना चाहते हो भैया तो कम करो ना, बड़ा क्यों रहे हो? तुम परिग्रह घटाना चाहते हो बढ़ाना का चाहते हो? नहीं घटाना चाहते, घटाना चाहते हो तो विरक्त रहो ना, अनुरक्त काय को हो रहा है। तो देखो भैया, मन का काम तो वैसे ही चलेगा जैसा अनादिकाल से चल रहा है। कब तक? जब तक अज्ञानता, अज्ञानता है तो मन तो वो ही करेगा जो उसने अनादिकाल से किया है। मन कैसा क्यों करेगा भैया? मन सही रास्ते पे क्यों नहीं चलेगा भैया? देखो अनादिकाल से उस मन में अंधकार ही रहा, इच्छाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का, मिथ्यात का, मोह का, राग का, द्वेष का, अज्ञान से वो मन भरा हुआ है भैया। तो उस मन ने इस पुद्गल में आचरण करने के अलावा कोई दूसरा काम किया ही नहीं। पांच इंद्रियों के भोग के अलावा इस जीव ने कभी कोई दूसरा काम किया ही नहीं है, तब उससे दूसरा काम कैसे करवा लोगे? तो ये क्या करें भैया, मन में सम्यक ज्ञान की प्रकाश की किरण जगाओ, ज्ञान वलेन विशुद्धम। गुरु महाराज जो वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं, ऐसे तत्व का वस्तु स्वभाव का यथार्थ चित्त से पोषण करो, अपने चित्त में बैठे हुए चैतन्य में आत्मा की आवाज सुनना प्रारंभ करो। भगवान जी मन की बात तो दिन रात सुनते हो, कभी कभी तुमसे तुम्हारा अंतरात्मा कहता है कि देखो मैं तुम्हारे इतने निकट हूं, हे उपयोग एक आध दो समय के लिए मेरे पास भी तो आके देख, थोड़ी देर मेरे पास आके भी तो बैठ। मन के साथ इंद्रिय विषयों के साथ तुम 24 घंटे परिणमित होते हो। उपयोग से आत्मा कह रही है, यह उपयोग एक समय, दो समय, घड़ी, दो घड़ी, मिनट, दो मिनट, जितना भी टाइम मिल जाए उपयोग राजा थोड़ी देर मेरे पास आके भी तो बैठो, देख तो लो कि इस मन में सुख है या फिर जो अनंत प्रकाश में अपना अंतर आत्मा, ज्योति स्वरूप अपना आत्मा है, इस परम आत्मा, इस परम सत्ता में सुख है, देख तो ले एक बार। सुनाई देती? अच्छा बता, ऐसी आवाज सुनाई देती है अंदर से? नहीं देती। देती क्या भैया? ऐसी आवाज सुनाई नहीं देती हमें तो, ऐसी आवाज उन्हें सुनाई देगी जो उस आत्म तत्व को स्वीकार करना चाहेंगे, जिनका वास्तव में मन है भैया हमें मोक्ष मार्ग की साधना करना है, उनको ये आवाज सुनाई देगी। भैया जिनका मन ही नहीं है मोक्ष मार्ग की आराधना करने का, तत्व की आराधना करने का, वस्तु स्वरूप को जानने का, आत्म अनुभव करने का, जिनका मन ही नहीं है, भाव ही नहीं है, उन्हें ये आवाज कभी सुनाई देने वाली नहीं। अंतर आत्मा उसकी बोलती है जिसका ज्ञान जागृत हुआ, जिसको अंतर बोध जागृत हुआ, जिसको जीवत जीव के होने की शक्ति का एहसास हुआ हो, उसकी अंतर आत्मा स्वयं अंतर से बोलती है भैया ये करना है, यहाँ चलना है, ऐसा करना है,
ज्ञानी का मार्गदर्शन स्वयं ज्ञान अंतर से करता है। लेकिन भैया अज्ञानी ने कभी उस आत्मा को स्वीकार नहीं किया, अज्ञानी ने कभी उस तत्व को स्वीकार नहीं किया, अज्ञानी ने कभी उस तत्व का अनुभव नहीं किया, इसलिए उसके अंतर में तो मन ही बोलता है, मन ही कहता है भाई अच्छा खा लो बुरा खा लो, थोड़ा पुण्य कर लो थोड़ा पाप कर लो, कि ना संसार तो ऐसे चलेगा, थोड़ा ये कर लो थोड़ा वो कर लो, जिंदगी तो ऐसे चलेगी। भाई मन की आवाज और आत्मा की आवाज में जमीन आसमान का अंतर है। आत्मा जब भी पुकारेगी उपयोग को तो अपने पास बुलाएगी, वो कहेगी यहाँ के बैठ, यदि तू दो घड़ी मेरे पास आके बैठ गया तो इस संसार का कोई भी कर्म शेष रहने वाला नहीं। आत्मा तो इतनी बड़ी गारंटी देती कि भाई जी कहिए, चाहे बोध अंश मात्मा क्यों ना हो, हो तो आप पूर्ण परमात्मा। जिनकी अंतर आत्मा घड़ी दो घड़ी के लिए भी, मिनट दो मिनट के लिए भी ऐसा बोलती है कि भगवान आत्मा, मिनट दो मिनट के लिए भी जिनके अंदर से ऐसी आवाज आती है कि उपयोग से कहते हो, अंतर अंतर प्रभु कहते हो कि भैया निज हैर बैठो, अरे थोड़ी देर तो अंतर आके बैठो और नहीं तो रार कीजिए, अरे तुम्हें ये आवाज सुनाई नहीं दे रही तो रार अर्थात संसार में जन्म मरण करो, संसार में परिभ्रमण करो, अनंत कलेश को भोगो, अनंत दुख को भोगो। जिनके अंतर प्रभु बुलाते हैं और जो अंतर प्रभु की ऐसी बात सुनते हैं भैया, वो परम आनंद परम शांति और परम अपनी सत्ता का भेदन करते हैं भैया, जिन्हें अपने अंतर प्रभु की आवाज स्वयं सुनाई देती। हम सुना रहे इसलिए नहीं भैया, आप चार टाइम बैठ जाते चिल्लाने के लिए इसलिए नहीं, जिनकी अंतर आत्मा जिनका अंतर उपयोग स्वयं कहता है भैया एक मिनट के लिए तो बैठो भगवान जी, एक मिनट के लिए तो शांत हो और फिर देखो कितना अतीन्द्रिय आनंद और कितना सुख है। अब भैया कोई उस अंतर प्रभु की आवाज सुन के बैठ जाता है और कोई सुन के अनसुना कर देता है, भैया ये अपनी अपनी रुचि की बात है, अपने अपने पुरुषार्थ की बात है। जो सुन के बैठ जाता है वो अतीन्द्र सुख को पाता है और जो सुन के नहीं बैठ पाता अभी उलझने में उलझा रहता है, भैया उसे थोड़ी देर है लेकिन सुन तो रहा है, सुन तो रहा है वो गायक परमात्मा की ध्वनि को, अंतर की भाव को, अंतर की शक्ति को सुन तो रहा है भैया। और जो सुन रहा है अंतर मन की आवाज, जो अंतर हृदय की आवाज सुन रहा है भैया, वो इस चतुर्गति से मुक्त होगा होगा और होगा, इससे मनोरंजन कारक टूटेगा भैया। अच्छा बताओ एक बार बताओ, आपको आपसे यदि मुझे कोई चीज छुड़वाना हो, मान लो आपके पास बहुत कीमती पेन है भैया, अब मुझे पेन छुड़वाना हो तो मैं आपको समझा के बुझा के भैया पेन छोड़ दो, ये पेन छोड़ दो, ये पेन छोड़ दो, ये पेन छोड़ दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है, समझे बुझा के छुड़वा भी लेंगे, लेकिन गर्व छुड़वाना हो कि ये मेरा पेन था तो क्या करेंगे? मुझे आपसे बाहर से कोई वस्तु छुड़वानी हो तो आपसे कहेंगे इसे उठा के यहां रख दो मंदिर में दे जाओ, तो छूट गया बाहर से तो छूट गया है ना। बाहर से कोई वस्तु छुड़वाना हो तो आपसे कह देंगे भैया घर की, भैया 5-2 हजार का नोट रखा है, भैया मोह छोड़ो पैसे का कुछ नहीं है, पैसा अपना नहीं है, क्या करें मंदिर के गुल्लक में डाला, बाहर से तो छुड़वा दिया, बाहर से तो तुम डाल गए मंदिर में, लेकिन अंतर से अहम छुड़वाना तो क्या करेंगे ये बताओ। अंदर से उसका अहम छुड़वाना तो क्या करेंगे, बताओ भैया। बाहर से छुड़वाना तो 2 मिनट का काम, थोड़े से अच्छे प्रवचन सुना दो सब छूट जाता, अंदर से छुड़वाओगे तो क्या हो, अंदर से छुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर पहले उसे आत्मज्ञान करा भगवान आत्मा कि ये वस्तु तुम्हारी है ही नहीं, तुम इससे भिन्न गायक परमात्मा ही हो,
तुम्हारा इस अचेतन जड़ से रिश्ता ही नहीं है। फिर उसे भेद ज्ञान कराओ तब उसका अहम टूटेगा, फिर उसकी जेब में रखा रहेगा तो भी उसका नहीं है, और मंदिर में डाल के चला जाएगा तो भी उसका नहीं है, वो डाल गया तो भी उसका नहीं है और जेब में रखा है तो भी उसका नहीं है, अपना कुछ है ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या है भैया, ज्ञान वलेन विशुद्धा, अरे आत्मज्ञान का बल तो जगा भगवान जी, अंतर से ही मन का अहम टूटता है, अंतर से ही मन की मान्यताओं का नाश होता है। भैया अपने अंतर में जो शुद्ध चैतन्य में ज्ञायक तत्व परमात्मा है, उस ज्ञान में अविनाशी तत्व का बोध होता है। भैया जी सुन तो लो, भैया जी की सुनना बंद कर दो और कभी कभी थोड़ी सी अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुन लो। वो अंतर आत्मा पुकार पुकार के कह रही है कि एक मिनट के लिए भी, अरे एक मिनट के लिए नहीं, एक सेकंड, अपने सेकंड ही जानते हैं, एक सेकंड के लिए भी तू मेरे पास आके बैठ जाएगा तो तुझे जो परम शांति, जो परम आनंद, जो अतीन्द्रिय चतुष्टय का वैभव जो तुझे दिखाई देगा भैया, उसके बाद तू संसार की ओर पलटने वाला नहीं। एक बार आके देख तो जाओ कि वो आत्मा वो चेतना है कैसी, एक बार आके देख तो जाओ, सिर्फ एक बार आके देख जाओ, फिर चाहे दोबारा मत आना, एक बार आके देख तो जाओ बस। हाँ या नहीं, सुनाई दे रही नहीं दे रही वो आवाज? नहीं दे रही, हवाएं नहीं सुनने हैं कानों से नहीं सुनाई देगी वो आवाज, वो अपने हृदय में ही अपनी अंतर आत्मा खुद बोलेगी, अपना अंतर हृदय, अपना अंतर भाव मन, अपनी अंतर शक्ति स्वयं बोलेगी भैया क्या, एक बार आके देख के चले जाओ, उसके बाद तुम्हें अच्छा नहीं लगे, वो अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, वो अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व, वो परम सुख का दरिया, वो अनंत आनंद का केंद्र, ये तुम्हें अच्छा ना लगे तो फिर छोड़ के चले जाना। एक बार आ जाओ और एक बार पास आओ, और उपयोग से कह रहा है एक बार पास आओ और त्रिकाली के निकट आके बैठो, अपने ज्ञायक स्वभाव के निकट आके बैठो, और फिर देखो इस जगत के परिणमन को स्वतंत्र साक्षी भाव से, ये जगत का सारा परिणमन अपनी योग्यता से चल रहा है, और देखो ये जाननहार संपूर्ण विश्व को जान रहा है, जाननहार जान रहा है, जाननहार सत्य का प्रकाश कर रहा है। भैया एक बार देखो अंदर आके, एक बार अंदर आके देखो, वो जाननहार जान रहा है, इस जगत का साक्षी है, इस छह काल के परिणमन को, इन छह द्रव्यों के परिणमन को देख रहा है और जान रहा है बस, और सबसे भिन्न और सुखी है अपने आनंद में। क्यों? क्योंकि वस्तु के स्वभाव को जानता है भैया, कि जब जो होना है वो हो रहा है। प्रत्येक द्रव गुण पर्याय का ज्ञाता है, ऐसे मालूम है कि प्रत्येक द्रव किस रूप परिणमन कर सकता है। अच्छा एक बार बता, ज्ञानी को निराकुलता क्या है? सर तुम ज्ञानी मैंने छोड़ो, केवल ज्ञानी को निराकुलता क्या है ये बता। अब तुम ज्ञानी को भी नहीं बता पा रहे हैं, केवल ज्ञानी को भी नहीं बता पा रहे हैं, तो किसकी पूछे? तुम्हें तो है ही नहीं निराकुलता, तो तुमसे पूछ लेते तुम्हें निराकुलता क्या है, ज्ञानी की बता दो या केवल ज्ञानी की बता दो, क्या है केवल ज्ञानी को निराकुलता? बता जल्दी, सही जवाब है आपका। हाँ भगवान आत्मा ज्ञानी को यही तो निराकुलता है कि वो प्रत्येक द्रव की, प्रत्येक गुण का और प्रत्येक पर्याय का क्या परिणाम होगा वो सब जानता है। उसे पता है कि धर्म द्रव कैसे परिणमित होगा, अधर्म कैसे परिणमित होगा, काल कैसे परिणमित होगा, भैया ये सारे द्रव कहाँ और कैसे परिणमित होंगे उसके ज्ञान का सब विषय वो जानता है, कि जीव स्वभाव रूप कैसे परिणमित होता है, विभाव रूप कैसे परिणमित होता है, उसे छह द्रव्यों के परिणमन की शक्ति मालूम है कि कौन कहाँ तक जाएगा, कौन क्या कर सकता है। भैया उसे पता है कि प्रत्येक द्रव गुण पर्याय अपने रूप ही परिणमित होते हैं, इसलिए अब अन्य को उसे कुछ जानने का विकल्प ही नहीं है। क्यों? क्योंकि छह द्रव के अलावा और छह द्रव के गुण पर्याय के अलावा इस विश्व में और दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तब विकल्प आएगा करेगा। जब सब जानता है तो क्या को जानेगा? अच्छा बता, चिंता काहे की करेगा? जब सभी जानता है, छह द्रव है, छह द्रव्यों के गुण है, छह द्रव्यों की पर्याय है,
जब उसने जान लिया कि छह द्रव्य है, स्वतंत्र है, अपने गुण पर्याय में परिणमित हो रहा है, तो आप चिंता किसकी कि तुम क्या करोगे या तुम क्या करोगे या तुम क्या करोगे या तुम क्या करोगे या तुम क्या करोगे। चिंता तो तब होती जब हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते, हम तो इस पुद्गल, जो पुद्गल है शरीर रूप, इसके परिणमन की शक्ति भी जानते हैं। भैया क्या है भैया, स्कंद रुक्ष रूप, जुड़ना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना, सड़न गलन पदार्थ, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप, इसकी व्यवस्था भी जानते हैं। भाई जीव की व्यवस्था क्या है, कहले भैया आत्म स्वभाव की ओर देख रहा है, चैतन्य में प्रकाश वाला है, तो भैया मुक्त आत्मा पर पर्याय की देख रहा है, तो अज्ञान भ्रम के कारण संसार में परिभ्रमण करता हुआ अपने आप को मान रहा है, हम सभी तो जानते हैं। हाँ भाई जी जी कहिए। हाँ भाई जी, यही केवल ज्ञान की महिमा है और यही सम्यक ज्ञान की महिमा है। जो केवल ज्ञानी के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को जान लेता है, उस ज्ञानी की भी यही महिमा, जो केवल ज्ञान में प्रत्येक झलकता है वही सम्यक ज्ञानी परोक्ष रूप से स्वीकार करके बेसे निराकुल रहता है, जो केवल ज्ञानी निराकुल। ज्ञानी के जीवन में और केवल ज्ञानी के जीवन में यथार्थ वस्तु स्वरूप के प्रकाश की निराकुलता है, दोनों आनंद में है। अपन मरे जा रहे करता 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 करता, अपन पागल हुए जा रहे, वो दोनों सुखी हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा तो पूर्ण सुखी है और सम्यक ज्ञानी भी परम सुखी है भैया, कोई दिक्कत नहीं। भैया दुखी कौन है, जैसे अपने अंतर की आवाज सुनाई दे रही, जैसे केवल ज्ञानी के वचन सुनाई दे रहा है, जैसे छह द्रव्य की स्वतंत्रता, वस्तु का स्वरूप, तीनों लोकों का प्रकाश, सामने ध्रुव प्रकाश होते हुए भी जो अपने आप को अपनी, देखो भैया जो अपने ज्ञान के आईने में, जो अपने दर्शन के आईने में अपने आप को नहीं देख पा रहा वो दुखी है, और भैया जो बाहर के आईने में इस पुद्गल, वो जो हाँ जो बाहर के आईने में पुद्गल ध्रुव को देख रहा है वो दुखी है भैया। लेकिन जो अपने ज्ञान दर्शन के आईने में अपनी सूरत को एक बार देख ले, अपनी छवि को एक बार देख ले, उसे तीन लोक में, तीन काल में दुख जैसी कोई वस्तु उत्पन्न हो सकती, बताओ भगवान। जो कोई एक झलक भी अपने ज्ञान की, अपने दर्पणवत ज्ञान की, अपनी शक्ति में जो जीव एक झलक भी अपने निज परमात्मा की देख ले, उसे दुख हो सकता है क्या? दुख कब तक, जब तक बाहर के आईने में थोबड़ा देख देख के खुश हो रहे हैं भगवान जी कि हम कितने सुंदर हैं, तब तक कलेश। जब तक बाहर के रूप को निहार रहे हैं तब तक कलेश, और जिस दिन अंतर रूप को निहारोगे उस दिन निष्कलेश। भैया मनोरंजन गारा तोड़ना है तो पहले मन के विचारों की धारा को तोड़ो, बहुत अच्छी बात करें, सावधान सावधान सोना नहीं। यदि मनोरंजन गारक तोड़ना है तो मन के विचारों की धारा को तोड़ो भैया। कैसे तोड़े, मन अपनी मनमानी अनुसार, अनादिकाल के संस्कार अनुसार, अपनी मान्यता अनुसार अपने विचारों में मगन है भैया, उस मन को कोमा से, अपने विचारों का जो उसके पास पिंड है ना, अनादि संस्कार, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय मोहिनी कर्म के संस्कारगत पदगल के साथ अनुरक्त होने का जो उसके पास संस्कार है, उस धारा को तोड़ो। कैसे तोड़े भगवान जी, केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी को सुनके अपने ज्ञान में आत्मा को स्वीकार करके, मैं ज्ञायक तत्व परमात्मा हूं, इस सत्य का बहुमान जगा के इस मन की चलने वाली निरंतर अज्ञान धारा को एक बार तोड़ो, तो एक बार इसकी विचारधारा को कहो तो कि मन तेरे द्वारा जाना हुआ, तेरे द्वारा देखा हुआ, तेरे द्वारा बताया हुआ, तेरे द्वारा माना हुआ सब कुछ झूठी है, जो भगवान की वाणी में आया है बस वही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और हमें सीखा। तोड़ तो, अरे एक बार तो तोड़ो,
एक बार तो हिम्मत जगाओ, यदि एक बार तुमने आत्मा की हिम्मत जगा के, एक बार अपनी शक्ति जगा के तुमने इस मन की अज्ञान धारा को तोड़ दिया, तो फिर इस मन का अहंकार टूट उसी समय चकनाचूर होगा, उसी क्षण। हाँ जी कहिए। सूखे में खिलाड़ी चल रही है। चलो निशान तो बन पाए होंगे फिर, बस यही है उपाय भैया जी, यही उपाय है। अवरल धारा तोड़ो, अज्ञान की अवरल धारा को तोड़ो, और ज्ञान की अवरल धारा झलकता हूं वहां की, मैं ज्ञानानंद स्वभाव हूं, मेरे प्रकाश में मैं ही झलकता हूं, मेरे प्रकाश में पर नहीं झलकता। पर प्रकाशक ज्ञान है तो वस्तु की व्यवस्था को झलकाने वाला है। अच्छा बताओ, आपसे बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं, पर प्रकाशक ज्ञान का काम क्या है? जल्दी जल्दी जवाब दिया करो हमारी बातों का। हमने कितने बार कहा जितनी जल्दी जवाब दोगे उतनी जल्दी नई बात सुनने मिलेगी, टाइम हो जाएगा नहीं तो अब क्या। चलिए बताओ, पर प्रकाशक ज्ञान में क्या झलकता है? हेलो भगवान जी, जवाब सही नहीं है, बताओ जूम से कोई, पर प्रकाशक ज्ञान में क्या झलकता? बोलो भैया जूम से कौन है, किसी का नाम ले। हाँ किसने मीट खोला बताइए। बहुत बढ़िया, सही जवाब है, आप जवाब के निकट हो लेकिन फिर भी सही जवाब नहीं, बहुत अच्छे जवाब आया, आप लोग नहीं दे पाए। और कोई स्व प्रकाशक की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर प्रकाशक की बात कर रहे हैं, बताओ क्या झलकता है? एक सही जवाब तो आ गया, पर प्रकाशक ज्ञान में क्या झलकता है? तुम जो कह रहे तुम्हें खुद विश्वास ही नहीं है। यही तो सब तुम लोगों ने कौन कौन से ग्रंथ पढ़ लिए ना जाने क्या क्या पढ़े। हम ही बता दें भैया, एक बहुत अच्छा जवाब आया है जूम से कि पर प्रकाशक ज्ञान में भेद ज्ञान झलकता भैया। पर प्रकाशक ज्ञान में ही भेद ज्ञान झलकता है, और हमारी हम जो जवाब चाह रहे थे, पर प्रकाशक ज्ञान में ही पूर्ण वस्तु स्वरूप झलकता, पूरा ब्रह्मांड पर प्रकाशक ज्ञान का विषय है, पूरा वस्तु स्वरूप, तीन काल, तीन लोक, तीन काल की शक्ति, सब पर प्रकाशक ज्ञान का विषय है। स्व प्रकाशक ज्ञान में तो चिद्रूप निर्विकल्प आनंद में भीतरागी केवल ज्ञानी, अरे कोई भी ज्ञानी स्व प्रकाशक ज्ञान में तो अपनी चेतन शक्ति में लीन है। स्व प्रकाशक को तो किसी से लेना देना है ही नहीं, जिसको स्व का प्रकाश होता है उसी को पर प्रकाशक ज्ञान संपूर्ण वस्तु की व्यवस्था को झलकाता है। बस वस्तु स्वरूप झलकता है, भेद ज्ञान झलकता है, पर प्रकाशक ज्ञान स्व प्रकाशित तो चिदानंद 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 चिदानंद। भाई आपकी बातें तो दिमाग से, एक तो पहली बात तो दिमाग में चढ़ती नहीं है, और थोड़ी बहुत चढ़े भी तो वो जल्दी उतर जाती है। क्या झलकता है? ये सब पर प्रकाशक ज्ञान का काम है। लेकिन पर प्रकाशक ज्ञान होता किसे है? जो तत्व का श्रद्धानी है, जो स्व शक्ति को जानता है, जो स्व ज्ञान में शक्ति का अनुभव करता है, जो स्व ज्ञान में प्रकाश को स्वानुभूति में लेता है, वो 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 जो अंतर्ज्ञानी है उसे पर प्रकाशक ज्ञान प्रकट होता। स्व प्रकाश के बिना पर प्रकाश होता ही नहीं, दीपक जलेगा नहीं तब तक प्रकाशित होगा नहीं। अज्ञानी को स्व पर प्रकाशक की शक्ति है, लेकिन मिथ्या दर्शन होने के कारण से उसका पूर्ण रूप ज्ञान स्व पर प्रकाशक के भेद के बिना पूर्ण ज्ञान पर रूपी पण में हो रहा है। उसको स्व पर प्रकाशक ज्ञान की शक्ति प्रकट कब होगी? जब आत्मज्ञान तो हो तब तो हो। ज्ञान तो स्व पर प्रकाश ही है,
लेकिन मिथ्या दर्शन होने के कारण से उसका पूर्णतः ज्ञान, उसका पूर्णतः उपयोग परद्रव रूपी पण में हो रहा है, वो स्वा की शक्ति को जानते नहीं। अब जो पूर्ण रूप पर परिणमित हो रहा हो, अब उस जीव को क्या समझाएं, क्या स्वप्रकाशक क्या परप्रकाशक। सिद्धांत से देखोगे, कारण शुद्ध पर्याय से देखोगे, तो भैया ज्ञान तो ज्ञान में झलक रहा है, ज्ञान तो ज्ञान में जान रहा है, ज्ञान तो परप्रकाशी होता ही नहीं, पर रूप परिणमित होता ही नहीं। लेकिन कारण शुद्ध पर्याय से अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, अभी हम चर्चा कर रहे हैं स्वप्रकाशक ज्ञान की, सच्चे सिद्धांत की। हाँ, तो क्या कह रहे हैं अपन, क्या झलका रहा है? पर को देखोगे तो वस्तु स्वरूप झलकना चाहिए, और अंतर में तो कुछ है ही नहीं। सत्ता एक शून्य बिंद ममले ममल स्वभाव। बाहर झाकोगे तो भेद ज्ञान, बाहर झाकोगे तो वस्तु स्वरूप, बाहर देखोगे तो भैया वस्तु की व्यवस्था, तीन लोक में होने वाली सर्वज्ञ की वाणी में जो वस्तु की व्यवस्था आई है, वो तो छह द्रव्यों का स्वतंत्र परिणाम दिखाई देगा। और अंतर देखोगे तो आनंद अतिरेक ध्रुव शक्ति के अलावा कुछ जानने में आने वाला नहीं। अब जो अंदर देखेगा उसे बाहर वस्तु स्वरूप दिखेगा, और जो अंदर का सिद्धांत नहीं करेगा उसे बाहर अंधकार अंधकार दिखेगा, और जिसे बाहर अंधकार दिख रहा है उसका उपयोग पर द्रव रूप परिणमित हो रहा है, पुद्गल कर्म रूप परिणमित हो रहा है, राग देश भाव रूप परिणमित हो रहा है, और जिसका उपयोग पर भाव रूप परिणमित हो रहा है, तो ये बेचो तो अब क्या करें, उसे क्या समझाएं कि स्वप्रकाशक क्या है, पर प्रकाशक क्या है, ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, आत्मा क्या है, मनोरंजन गारव क्या है। मनोरंजन गारविन तिक्तम तारण स्वामी कह रहा है, मनोरंजन गारव को त्याग दो। कैसे समझाएं बताओ, अच्छा जिसने अपने आप को चैतन्य में आत्मा स्वीकार ना करा हो, जिसने अपने आप को आनंद स्वरूप परमात्मा स्वीकार ना करा हो, उस जीव को कैसे समझाएं कि मनोरंजन गारविन तिक्तम चा, कि मन के गारव को त्यागो, कैसे समझाएं? समझा तो उसी को सकते हैं भैया, जिसने भगवान की वाणी को वस्तु स्वभाव को स्वीकार करा हो, उसे समझा सकते हैं कि मनोरंजन गारव इंद्री विषय भोगों का अहंकार तुझे निगोल नरक की यात्रा कराएगा। उसे समझ में आएगी भैया कि आत्मा का पतन होगा तो आत्मा ही दुख भोगेगा, वो तो चेतेगा, वो तो समलेगा। और जिसे आत्मा ही स्वीकार नहीं हो, उसे कैसे जगाओगे? जिसने अपने को ज्ञान ज्ञान में ही ना माना हो, उसे कैसे कहोगे कि अचेतन जड़ भाव मन तुमसे अलग है, उसका अहंकार कैसे तोड़ोगे? अच्छा बताओ, एक सरल सा प्रश्न भैया, मनोरंजन गारविन तिक्तम, मन के गारव को छोड़ने से क्या उत्पन्न होगा, या फिर मन का गारव छूटेगा तो क्या क्या लाभ होगा? बता दो, नहीं 10 मिनट पहले बंद कर दे रहा चर्चा, झूम से कोई बता दो या यहां से कोई बता दो, और नहीं तो गुरु महाराज की जय कहो, घर जाओ। गुरु महाराज की जय। सीधी सीधी बात, मन रंजन गारविन तिक्तम च, मन का गारव त्यागेंगे तो क्या होगा? अरे भैया कहा तो आपने सही, आगम की बात कहोगे सही होगा, लेकिन जो चर्चा चल रही है वो जवाब नहीं, जो गाथा चल रही वो भी नहीं है, चर्चा और गाथा दोनों से विपरीत है। तो सही जवाब, क्योंकि अध्यात्म का कुछ भी जवाब दोगे तो आएगा तो सही, लेकिन जो चर्चा चल रही है अनुरूप जवाब चाहिए। सही शब्द नहीं दिए, बोलना सही चाहा। और कुछ तो आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन शब्द सही नहीं दिए, चल हम ही दे रहे हैं। लोगों ने सही तक सत्य तक पहुंचाया है, इसलिए ये चर्चा चालू रह रही है 5 मिनट और। मनोरंजन गारविन तिक्तम चा, जैसे ही मन का गारव टूटेगा वैसे स्वभाव की ओर समर्पण हो जाएगा। ये जवाब गाथा के अनुसार, गाथा के अनुसार ये जवाब कि वैराग्यम वैराग्यम वैराग प्रकट हो जाएगा भगवान आत्मा। सीधा बोलो ना कि स्वभाव का समर्पण, अहंकार से क्या रुका हुआ है?
समर्पण पर रुकी हुई है, बीत राग स्वभाव की ओर अपनी परिणति ठान नहीं हो रही। कर्ता भोक्ता का, उदय भैया ने भी ऐसे सही जवाब दिया था, कर्ता भोक्ता का अहंकार टूट जाएगा, लेकिन गारब टूटेगा तो ये ही तो टूटेगा। कर्ता भोक्ता इसका अहंकार, अहंकार कर्ता भोक्ता में, ये टूटने का नाम तो गारब टूटना है। क्या होगा भैया, ये कर्ता भोक्ता पने का अहम टूटेगा तो स्वभाव में समर्पण होगा, अपने चेतन में तत्व भासेगा, या फिर गाथा के अनुसार कहते थे भैया वैराग्यम, वैराग प्रकट, क्या प्रकट हो जाएगा, सच्चा वैराग प्रकट हो जाएगा भगवान जी। स्वरूप में समर्पणता होगी, निज नाथ के प्रति समर्पित होगा जीव, अंतर आत्मा की ओर परिणति झुकेगी, और भैया सर्धान ज्ञान चारित्र की उपलब्धि का मार्ग बनेगा, या फिर ऐसा कहें कि भैया संसार से सच्चा वैराग प्रकट हो जाएगा, संसार शरीर भोग से विरक्ति की भावना जाग जाएगी। जवाब सबके सही आते हैं, क्योंकि अध्यात्म के जवाब गलत होते ही नहीं, लेकिन बात इतनी सी है, पकड़, कौन कहां से पकड़ रहा है, कौन कहां बैठ के सुन रहा है, किसको क्या पकड़ में आ रही है, क्योंकि हम बोलते हैं वो आप नहीं सुनते, आपको जो ग्रहण करना है आप सिर्फ वही सुनते हो, बस जो आपकी रुचि होती है, जो आपके मन में चल रहा होता है आपको वही सुनाई देता है। इसलिए बार बार पूछ लेते हैं भगवान जी कि आप जो सुन रहा है वो सही है या नहीं है, नहीं तो आप अपने मन के गुंताड़े में डूबे हो, हम जो कह रहे हैं, या फिर हम तो छोड़ो हम कौन कहने वाले, जिनेन्द्र भगवान जो कह रहे हैं, गुरु महाराज जो कह रहे हैं, वो आपको सुनाई नहीं देता, आप अपने मन की माया में डूबे हो और यहाँ पूरी बात निकलती जा रही है। भगवान जी इनकी बात सुनोगे, गुरु महाराज की बात सुनोगे, जिनेन्द्रों की बात सुनोगे, तो वस्तु स्वभाव का प्रकाश होगा भगवान आत्मा, नहीं तो गाड़ी तो चली रही भगवान भरोसे। भैया आज की चर्चा का सार इतना ही है, बस हमने आपको पहले पहले स्टेप से ये कहा है कि अंतर आत्मा की आवाज सुनाई दे जाए, बस इतना भी कह देते तो बिल्कुल सही था कि अपन मनोरंजन गारब को छोड़ेंगे और अनंत काल से जिस परमात्म शक्ति की आवाज, अपनी जिस शक्ति को अपन स्वीकार नहीं कर पाए, जिसकी आवाज अपने को आज तक सुनाई नहीं दी, अपने निकटवर्ती मैं ही जो हूं उस परमात्मा को मैं सुन नहीं पाया, अपने निकट आके मैं एक घड़ी नहीं बैठा भगवान आत्मा, एक सेकंड नहीं बैठा, तो भैया कम से कम अपनी ओर दृष्टि तो पलट जाए, अपनी स्वीकारता तो पलट जाए, श्रद्धान ज्ञान चारित्र तो उपलब्ध हो, तो ही तो मोक्ष मार्ग चले। जब तक भैया मन में पंच इंद्रिय विषय आशक्ति भोगों का गारा है, तो उपवास करना भी व्यसन भोग करना है। अब कहोगे भैया आप तो सब छुड़वा दो उपवास, उपवास तो पाप करने की प्रेरणा दो, भाई पाप करना तो भैया क्या है, पाप जो रुचि पूर्वक पाप कर रहा है वो व्यसनी नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि है, और वो नियम से अगले भाव का नर्कगामी जीव है, उसके लिए तो मोर विशेष कह रहे हैं, जो उपवास कर रहा है उसे तो हम व्यसनी कह रहे हैं, लेकिन जो जीव मिथ्या दृष्टि है नियम से, वो तो नर्क अगले भाव में नर्कगामी और आगामी निबोधवासी है, उसके लिए तो और आगे तक की यात्रा, लेकिन जो उपवास कर रहे हैं उसे व्यसनी कह रहे हैं। क्यों है व्यसनी, उपवास करने वाला व्यसनी, हाँ है ना, क्यों, जल्दी बताओ क्यों, हाँ और होने वाले क्रियाओं का गारव है, और भैया एक इंद्री का एक विषय छोड़ने के बजाय वो बाकी पांच इंद्रिय के विषयों की बढ़ोतरी कर रहा है। भैया अच्छा बताओ, जो इंद्रिय विषयों को बढ़ाए वो व्यसनी या नहीं, जिसकी संसार में जो लत है इंद्रिय विषयों की, इंद्रिय विषयों की जो आदत लगी हुई है, वो लत, वो आदत बढ़े उसका नाम व्यसनी, वो आसक्ति बढ़े उसका नाम व्यसनी, और लत आदत खत्म हो उसका नाम अपन सात्विक मानेंगे। भैया क्या कह रहे हैं, अपनी लत बढ़ रही है इंद्रिय विषयों की, अज्ञान बढ़ रहा है, अज्ञान का नशा बढ़ रहा है तो व्यसनी, और अज्ञान का नशा छट्टा, अज्ञान का अंधकार छट्टा, आसक्ति टूटती, तो भाई उपास करा मानते। भैया आप तो सब छुड़वा दो,
यदि तुम उपवास करना छोड़ दोगे ना, सही में तुम महापागल। हाँ, लेकिन जैसा तुम आडंबर वाला उपवास करते हो उसमें तुम और महा नहीं, महा तो तुम निभो दिए। सीधी बात है भैया, चपटा अंतर अनुभूति की ओर, सम्यक ज्ञान की ओर आपका पहला कदम नहीं बढ़ा, सत्य के श्रद्धान की ओर आपका पहला कदम नहीं बढ़ा, वस्तु स्वभाव के प्रकाश की ओर आपका पहला कदम नहीं बढ़ा। भाई सदाचार करना बुरा नहीं है, लेकिन सदाचार में विवेक रखना अनिवार्य है। विवेक रखना अनिवार्य है, बिना विवेक के जैन धर्म में कोई भी क्रिया स्वीकार नहीं की। सारा व्यवहार विवेक है, विवेक सहित है, विवेक पूर्ण है, और विवेक के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, तत्व की जिज्ञासा के लिए आगे बढ़ेंगे, तत्व की रुचि के लिए आगे बढ़ेंगे, तो अपना कल्याण हो सकता है भैया। और नहीं तो अनादि अनंत काल से ये जीव 84 लाख में गोते लगा रहा है, और अनादि अनंत काल तक 84 लाख में गोते लगाता रहे। अंतिम अंतिम बात है भैया, टाइम भी कह रहा है कि 1 घंटा पूरा होने हो गया, आज तो 2 मिनट पहले चालू करी थी, तो 1 घंटा पूरा हो चुका। इसलिए भैया अपन सब अपना अपना काम बनाए, मन रंजन गारव को छोड़े, अंतर की अहंकार परिणति को गिराए, और भगवान की वाणी के भगवान को अपने चैतन्य चित्त ज्ञान में उपयोग में जगाए, और भैया अपने कल्याण का मार्ग बनाते हुए इस चतुर्गति की यात्रा को क्षण मात्र में छे कर दे, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारंत्रचार्य जी महाराज की, श्री कमलवती सी जी ग्रंथादि राज की जय। जय नमस्तु नंदयानंद परमित त्रिपद विंद।